वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं सनी देओल के बेटे करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास का थिएट्रिकल ट्रेलर। वेल फ्रेंड्स, थिएट्रिकल ट्रेलर वो होता है जहां पर हमें वो चीजें देखने मिले जो हम देखना चाहते थे, यानी कि कहानी क्या होगी, क्या डायलॉग्स होंगे, क्या इस फिल्म के वेरियस सीन्स होंगे, क्या इस फिल्म का बेसिक प्रेमाइस और प्लॉट होगा। लेकिन जब 2 मिनट 18 सेकंड के इस ट्रेलर में हमें सनी देओल वही चीजें दिखाते हैं जो हमने पहले गाने में, जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स वाला गाना था तारे धारे वो वाला गाना, या फिर अरिजीत सिंह का टाइटल ट्रैक था पल पल दिल के पास का, वो आधे से ज्यादा ट्रेलर वो खा जाता है। लेकिन जो दूसरा हाफ है ट्रेलर का, वहां हमें इस कहानी से सनी देओल रूबरू कराते हैं, बिगेस्ट लव स्टोरी। जब आप ये टाइटल अपने फिल्म के ट्रेलर में इंड्यूस करें कि द बिगेस्ट लव स्टोरी, देन यू शुड मीन एवरी अल्फाबेट दैट यू हैव रिटन इन द बिगेस्ट लव स्टोरी। वेल फ्रेंड्स, अभी साल चल रहा है 2019 में यहाँ लोगों के पास 1 घंटा 50 मिनट या 1 घंटा 55 मिनट की फिल्म में बैठने के पेशेंस नहीं है, और जहाँ पर ऐसे क्लीशेड लव स्टोरीज यूजुअली 1980s एंड 1990s में लोग देखना पसंद करते थे कि एक नौजवान युवक लड़का और एक लड़की दोनों मिलते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स या फिर एक ऐसी जगह पर विदेश मुल्क में दोनों को प्यार हो जाता है, और उसके बाद किस तरह से इंटरवल तक उनकी लव स्टोरी दिखाई जाती है एंड ऑडियंस को किस तरह से वो अपने चंगुल में ले लेती है, कि ऑडियंस मेस्मराइज हो जाती है वो रोमांस देख के। आप भी ऑडियंस हो, मैं भी ऑडियंस हूं, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग सच स्टोरीज हैव लिमिटेड अपील राइट नाउ इन 2019। और इंटरवल के बाद क्या होगा, ये गैस आपका और मेरा भी सेम ही होगा, घर वालों के तरफ से कुछ नोकझोंक होगी एंड गाइस फिर शुरू होगा मार धाड़, और एंड में या तो वो मिलेंगे या फिर दोनों मर जाएंगे। यही लव स्टोरीज में होता रहा है एंड देयर इज नो थर्ड डायमेंशन इन दीज लव स्टोरीज। यहां पर आपकी जीत 2 जगहों पर हो सकती है। नंबर 1, या तो आपका जो मेल प्रोटैगनिस्ट है वो इतना चार्मिंग दिखता हो, इतना डैशिंग दिखता हो और उसकी एक्टिंग एबिलिटी इस प्रकार की हो जो आपने कभी बॉलीवुड में पहले ना कभी देखा होगा और ना कभी आपने सुना होगा ऐसे टैलेंट के बारे में। और नंबर 2, जब आपके सामने एक बहुत ही अच्छी फीमेल एक्ट्रेस है। यस फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों ही डिपार्टमेंट में करण देओल और सहर भंबा बहुत ही चूक जाते हैं एंड करण देओल की डायलॉग डिलीवरी सुनने के लिए मैं इसके टीजर से इंतजार कर रहा था। टीजर में तो सनी देओल ने हमें करण देओल के मुंह से एक भी अल्फाज नहीं सुना है, यहाँ पर भी ट्रेलर में फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेलर करण देओल स्पीक्स नथिंग, इट्स जस्ट हिज वॉइस। मिस सेठी मिस्टर सहगल, जब ट्रेलर में ही मिस सेठी और मिस्टर सहगल इतनी बार सुन सुन के आपका दिमाग फ्यूज हो रहा है, तो जस्ट इमेजिन इस पूरी फिल्म में द नंबर ऑफ टाइम्स मिस सेठी एंड मिस्टर सहगल विल बी रिपीटेड बाय द प्रोटैगनिस्ट इन दिस फिल्म। करण देओल जब पहला डायलॉग कहते हैं इस ट्रेलर में, जो उनका फेस दिखा के कहा जाता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सॉरी टू से पुत्र प्रेम में बहुत सारे डायरेक्टर्स ने अपने बेटों की इंडस्ट्री में लॉन्च किए हैं। इससे सबसे बड़ा एग्जांपल दे सकता हूँ अब्बास मस्तान का, जिन्होंने मशीन फिल्म से उनका जो बेटा था मुस्तफा उनको लॉन्च किया था। अब वो फिल्म किस तरह की थी ये पूरी दुनिया जानती है। जब तक योर प्रोडक्ट इज नॉट पॉलिश्ड इनफ टू ब्रिंग हिम आउट इन दिस क्रूअल वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, क्रूअल वर्ल्ड इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जब बड़े से बड़े न्यू कमर्स, जब बड़े से बड़े स्टार्स जैसे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी फिल्में आज के जमाने में नहीं चल रही, हु इज वेरी टैलेंटेड, 100 times मोर टैलेंटेड देन दिस न्यू गाय कॉल्ड एज करण देओल, एंड जस्ट इमेजिन हाउ बिग अ पोटेंशियल शुड दिस गाय हैव। वेल फ्रेंड्स, करण देओल के फेवर में बस एक ही चीज जाती है कि जब ट्रेलर के फाइनल कुछ मोमेंट्स में सनी देओल उनके अंदर अपनी कुछ झलकियां छोड़ जाते हैं। यस फ्रेंड्स, करण देओल इज सुपर इम्प्रेसिव इन द एक्शन सीन्स, आई मीन इट वाज अ सरप्राइज ऑफ द ट्रेलर। मैंने इस ट्रेलर से पूरी की पूरी उम्मीद खो दी थी कि ये ट्रेलर इज गोइंग नोवेयर, क्योंकि उनकी डायलॉग डिलीवरी, स्पेशली वो सीन जब वो आंखों में आंसू लाकर हीरोइन के सामने कह रहे हैं कि अब मैं जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा, That shows a lack of intent from the director as well as the actor. Dialogue delivery falls flat. लेकिन जैसे ही सनी देओल
ये एक्शन के पार्ट्स इंड्यूस करते हैं। करण देओल लुक्स फैंटास्टिक इन द एक्शन सीक्वेंसेस। आई मीन वो रॉ टैलेंट जो रहता है, जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसकी प्यार को पाने के लिए जो भी कठिनाई है उनके सामने आती है वो उसको चीर फाड़ दे, जिस तरह से उनके फादर सनी देओल किया करते थे, उस तरह का स्पार्क करण देओल में दिखता है। यस, करण देओल इज नॉट वेरी हेवीली बिल्ट और वेरी ब्रॉड, ही इज अ नॉर्मल गोइंग गाय, नॉर्मल मैंगो पर्सन, लेकिन उनके जो एक्शन सीन्स हैं, द पंचेज ही गिव्स, द रोर ही गिव्स आर इक्वल एंड यू नो एज सिमिलर एज सनी पाजी वॉज इन हिज अर्लियर डेज। वो सीन मुझे काफी इंप्रेसिव लगे। एंड एंड में जब करण देओल पलटता है और गुस्से में देखता है, दो सीन्स आर द हाईलाइट ऑफ दिस ट्रेलर। बात करें शहर बम्बा की, तो शहर बम्बा इज एन एवरेज लुकिंग लोखंड वाला स्ट्रगलर जो हमें यू नो हर एक स्टूडियो में दिखती है, जैसे इट्स हैज नो यूएसपी, नो यू नो एक्स फैक्टर जो कि एक न्यू कमर में होना चाहिए, कि हमने ऐसे न्यू कमर को कभी देखा नहीं हो, नथिंग लाइक दैट। ऐसा कोई भी चीज अपील नहीं करता। इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सनी देओल का डायरेक्शन। सनी देओल हैज शॉट दिस फिल्म ब्यूटिफुली। जो ट्रेलर में लोकेशंस दिखाई गई है, जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन, चाहे वो ग्लाइडिंग हो, राफ्टिंग हो, सनी देओल हैज यू नो ब्रॉट दैट होल सीनरी ऑन द कैनवस ऑफ द फिल्म। एंड जब ये हम सुनहरे पर्दे पर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। लेकिन हम ये सीनरी और ये लोकेशंस तो नेशनल ज्योग्राफिक पे भी देखा करते हैं, फिल्म की कहानी में दम होना चाहिए। एंड गाइस, कहानी यहाँ पे काफी लीनियर लग रही है, लेकिन ये जो फिल्म आएगी तब पता चलेगा। बात करें सेकंड सबसे मजबूत पार्ट की इस फिल्म की, तो वो है इस फिल्म का संगीत। अरिजीत सिंह सॉन्ग इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग। अरिजीत सिंह का जो टाइटल ट्रैक है पल पल दिल के पास का, वो इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग दिलाने में कामयाब रहेगा। और ये फिल्म 20 तारीख को रिलीज हो रही है। इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि ये फिल्म 3 फिल्मों के साथ क्लैश हो रही है, यानी कि संजय दत्त की प्रस्थानम और जोया फैक्टर जो है सोनम कपूर की, तीनों फिल्में कोई बड़ी फिल्में है नहीं, लेकिन स्क्रीन्स बढ़ जाएंगे। वेल फ्रेंड्स, अब पल पल दिल के झोली में कितने स्क्रीन आते हैं तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ट्रेलर देख के इतना ही बोल सकता हूँ, करण देओल लुक्स लेस देन प्रॉमिसिंग, एक्शन सीन्स वो इम्प्रेसिव है, अपार्ट फ्रॉम दैट ही फॉल्स फ्लैट। अभी फिल्म देखने का पता चलेगा कि क्या हम पूरी फिल्म में करण देओल को देख के सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आई गिव पल पल दिल के पास के ट्रेलर को 2/5 स्टार्स। पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए। एज ऑलवेज से स्टे कूल मान।